हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम बम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा पहला दिन है डेली मोटो ब्लॉग का और अभी मैं अंदर से बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल के पहले दिन नर्वस फील करते हैं, सेम कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज का ब्लॉग कैसे शूट होगा, क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, थंबनेल क्या रखूँगा, टाइटल क्या रखूँगा, ये सब सोचने वाली बातें। तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, वो टाइम के साथ निकल जाएगा। और ये बारिश में व्लॉग शूट करना मतलब मेरा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि बार बार गोप्रो का लेंस क्लियर करना पड़ता है और अगर कभी भूल गया तो पूरे वीडियो की वाट लग जाती है, सब ब्लर ब्लर दिखने लगता है। और पता नहीं मेरा कैमरा एंगल प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा है, मैंने चेक किया लास्ट 2-3 व्लॉग से मेरा कैमरा एंगल सेट ही नहीं हो पा रहा है जैसे पहला था, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंडर लगाया है इस गोप्रो के माउंट को, तो तब से एंगल कुछ बराबर आ नहीं रहा है, वो थोड़ा लूज है, प्रॉपर फिट नहीं आ रहा है। बारिश जोर से आ गई भाई, अभी फटाफट भागना पड़ेगा। कल जो मैंने व्लॉग शूट किया था वो व्लॉग कल रात को ही मैंने एडिट करके अपलोड भी कर दिया, बस लाइव करना बाकी है। और ये मेरे 3 साल के यूट्यूब के जर्नी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्लॉग को मैंने शूट करके नेक्स्ट डे ही अपलोड किया है, नहीं तो 2-3 दिन तो लगते ही थे। अभी ये वाला कैमरा एंगल भी मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सेट किया है, पता नहीं कितना परफेक्ट आएगा, क्या कर रहा है भाई, कितना परफेक्ट आएगा कितना नहीं। हाईवे खाली लग रहा है, थोड़ा भगा के लेते हैं क्योंकि आगे जाके एयरपोर्ट के यहाँ पे ट्रैफिक मिल सकता है। मैंने मेरे हेलमेट के वाइज़र पे अभी एक प्रोडक्ट यूज़ किया है, वाटर रिपेलेंट, वो इतना काम का प्रोडक्ट है ना, सच बताता हूँ, किसी दिन मैं उसका रिव्यू करूँगा और आपको उसकी बॉटल विटल सब दिखा दूँगा, क्योंकि बाइकर्स के लिए भाई मस्ट रिकमेंडेड चीज़ है वो, बारिश में स्पेशली, क्योंकि बारिश की बूंदें जब वाइज़र पर चिपकती है ना पूरी विजिबिलिटी की वाट लगा देती है। और मुझे इस हेलमेट का वाइज़र और पैडिंग चेंज करनी है, क्योंकि इस हेलमेट में पहले से एम साइज़ की पैडिंग लग के आई थी, जो कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी, स्नग फिट लग रहा था, लेकिन अभी इसको हेलमेट को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, तो 3 साल में वो पैडिंग फिर से लूज़ लगने लगी है और वाइज़र की तो वाट लगी चुकी है। और हेलमेट पे गोप्रो लगाने से गोप्रो के वेट से और हेलमेट यहाँ वहाँ हिलते रहता है, तो एस साइज़ की पैडिंग अभी मुझे लेनी पड़ेगी, 2-3 दिन में ले लूँगा। टायर पे ज़रा भी भरोसा नहीं आ रहा है वेट कंडीशन में, ऐसा लग रहा है टायर नाच रहा है मेरा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीन और मैं स्लिप होने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मेरा टायर मुझे बोल रहा है। मेरे आगे तो अभी थोड़ा बहुत उजाला दिख रहा है, लेकिन मिरर में देख रहा हूँ ना पीछे, इतने काले बादल आ गए हैं, क्या ही बताओ, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मेरे एंटॉर्क की एक्सीलेटर केबल भी मुझे बहुत हार्ड फील हो रही है, लेकिन अभी चेंज नहीं करूँगा मैं, जो कुछ है सब बारिश के बाद ही चेंज होगा, क्योंकि बारिश में बार बार चीज़ें ख़राब होती रहती है, बटन्स वगैरह। मेरा हाथ दर्द करने लग गया है अभी एक्सीलेटर घुमा घुमा के। वैसे आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन भी इतना ट्रैफिक है, मतलब सोचो आप। ऐसे कैब देते जाओ भाई, बीच बीच में से तो निकलूँ, ये क्या सीन है भाई, बीच में लगा के रखी है, ये लोग की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। आ गया अपना तो खेरवाड़ी ट्रैक, गया खत्म। अभी यहाँ से ट्रैफिक वापस मिलेगा BKC इंटर करने के बाद। इस वाइजर पे अभी एंटी फॉग नहीं है ना, तो पूरा वाइट हो रहा है और आगे का कुछ भी नहीं दिखता है ट्रैफिक में।
चलना भाई, इतना क्या स्लो मोशन में राइट ले रहा है। तो चलो गाइस अभी सीधा रात को मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी निकल चुका हूँ। आज छूटे छूटे लेट हो गया बहुत। सैटरडे था, सैटरडे में लेट होना बनता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। अभी देखते हैं जाते जाते क्या देखने मिल रहा है। बारिश चालू होने वाली है, अभी साइड में रुक के कहीं पे मुझे रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा। अभी इधर थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक दोस्त को ड्रॉप करना है, तब तक सिग्नल ना लग जाए। चल ब्रो, सी यू टुमारो। जाने तक बारिश नहीं आई तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार बारिश आ गई तो रास्ते गीले हो जाएंगे और सारा फन ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़्यादा रियर व्यू मिरर यूज़ ही नहीं करता, जब से मैंने ड्यूक के मिरर निकाले थे तब इससे आदत लग गई पीछे मुड़ मुड़ के देखने की। अभी सिर्फ गैप 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 खेलना है। ओहो, अंडे वाला फूल रपा रहा है यहाँ से वहाँ। ये अपने कैटेगरी वाला बंदा है। चल 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 चल, भाग इंटर भाग। This feeling, I can't tell you guys what I am feeling right now. हो गई फीलिंग खत्म। साला इसी ब्रिज पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है। ये ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा लगता है ना कि कभी मेरा रिम ना बेंड हो जाए। सैटरडे नाइट पब्लिक वीकेंड के लिए निकली है लगता है बाहर, इसलिए हाईवे जाम है। मैं सोच रहा हूँ कल बाइक निकालूँ आते समय। संडे है, हाईवे खाली मिलेगा, लेकिन देखते हैं, क्योंकि अभी घर पे जाने के बाद मेरा गटारी का कार्यक्रम है। फिर 5 तारीख को श्रावण चालू हो जाएगा, फिर मच्छी मटन अल्कोहल सब बंद 1 महीने के लिए। तो मैं सुबह टाइम पे उठ पाऊंगा या नहीं पता नहीं। फिर अगर लेट उठा तो फिर बाइक लाने जाना पड़ेगा, फिर उधर टाइम पास हो जाता है, फिर शिफ्ट पे लेट हो जाऊंगा। तो वो प्लान मैं कैंसिल कर सकता हूँ और आज रात को एडिटिंग भी नहीं करूँगा। इधर तक ही ट्रैफिक था, ये क्या सीन है भाई? कुछ तो एक कार का ब्रेक डाउन हुआ है इसलिए। सच में यार, मुंबई को कर्स लगा है, श्राप है मुंबई को कि किसी की भी गाड़ी ख़राब होनी होती है ना, बराबर हाईवे के ऊपर ही होगी, ब्रिज पे नीचे नहीं होगी, जिससे कि बाकी सब गाड़ियां अटक जाती है, ट्रैफिक जाम होता है। अरे एक ही नहीं, ऐसी बहुत सी गाड़ियां मैंने देखी है कि बराबर ऊपर ब्रिज पे ही बंद हो जाती है। मज़ा आ गया। अभी जाते जाते मुझे आज की पार्टी के लिए आइस कलेक्ट करना है एक जगह से, आइस फैक्ट्री से। ये अंधेरी का ब्रिज एक मस्त है, यहाँ पे भी खींचने मिलता है बहुत। क्या आवाज गूंजता है भाई ये टनल में क्या, हर टनल में गूंजता है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। आ गई बर्फ की फैक्ट्री यहाँ पे। अभी दोस्त को कॉल लगा के देना पड़ेगा, उसका कांटेक्ट है। भाई बात करो ना। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हो गया अपना काम भाई, बस हो गया, और मत डालो, इतना ही बहुत हो गया है। आगे जाएगा क्या स्कूटी के? हाँ भाई आ गया बस। चलो थैंक यू। हाँ दे दो ना। हाँ हाँ पता है, थैंक यू। चलो भाई ये काम भी हो गया। भाई किधर गया सिक्योरिटी? वॉचमैन तो था नहीं, मैं 2 मिनट रुका। इतना भी मैं सभ्य नहीं हूँ कि इससे ज़्यादा रुक सकता था, पावती मेरे पास ही है। अभी ये जो नीचे बर्फ रखा है ना पैर के यहाँ पे, वो मस्त पैर को चिल्ड कर रहा है अभी, ठंडा ठंडा।
और पता नहीं अभी ये कैमरा एंगल भी सही आया है या नहीं, नहीं तो फिर इतना शूट किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। आज MotoGP की क्वालिफाइंग और स्प्रिंट भी थी जो कि मुझे जॉब पे देखने नहीं मिली, अभी घर पे जाके वही देखूंगा। एरिया तो मैं पहुंच गया, अभी इस व्लॉग को यही एंड करते। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, लिव इन पीस।